लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। बाराबंकी में एक भाई ने की दूसरे भाई की हत्या, पारिवारिक विवाद के चलते की धारदार हथियार से हत्या। टीकमगढ़ पुलिस लगातार अपराधियों की कर रही धरपकड़, बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर इच्छापुर हाईवे बड़े बड़े गड्ढों से हुआ खस्ता हाल, समाज सेवी गड्ढों की करवा रहा मरम्मत, सो रहा प्रशासन। बाराबंकी टिकैत नगर में भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा, मामूली विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे सगे भाई का ही कत्ल कर दिया। मामला बाराबंकी के टिकैत नगर थाने के बनगांव क्षेत्र का है, जहां बीती रात पारिवारिक विवाद के चलते भाई ने भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताते चले कि गांव के राम बिहारी पुत्र मथुरा की उसके छोटे भाई श्यामा बिहारी ने आपसी विवाद में हत्या कर दी। आसपास के लोगों ने बताया कि राम बिहारी प्रतिदिन रात में शराब पी कर आता था और घर में लोगों से लड़ाई व मारपीट करता था। इसी दौरान राम बिहारी शराब के नशे में धुत होकर लड़ाई करने लगा, जिससे उसके छोटे भाई ने उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी से ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये ग्राम बनगवा में राम बिहारी पुत्र मथुरा का जो मर्डर हुआ है, उसमें ये बातें प्रकाश में आई है कि ये काफी शराब पी करके हंगामा किए थे, घर में तोड़फोड़ भी किए थे और तोड़फोड़ करने के बाद घर वालों को भी मारने दौड़े थे। तो उसी के बाद इसके एक भाई जो श्याम बिहारी हैं, उसने बताया है कि मैंने ही इसको कुदाल से मार दिया है, मारने के बाद गिर गया था, उसके सर पे भी कुदाल मारी है और उसकी मोटरसाइकिल को गिरा करके इस घटना को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया था। मौके पर मैं और क्षेत्र अधिकारी आरएस बाग जैसे छोटे कैतनगर दरियाबाद ये सभी लोग आए थे। घटना का अनावरण कर लिया गया है, उसमें से डेडवाडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी की गिरफ्तारी करके और अनुवांछित कार्रवाई की जा रही है। मृतक की मां ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाए हैं कि यदि पुलिस अगर उचित कार्रवाई की होती तो ये घटना न होती। ये रोज ही दारू पीकर हंगामा करता है और शाम को ही वहाँ पे वो UP 100 गई थी, तब ये दारू पी करके वहाँ घर से भाग गया मिला नहीं। टीकमगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी दौरान लंबे समय से बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देश पर टीकमगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी दौरान ग्राम मांडूमर से अपहृत दो नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने 5 माह से फरार चल रहे आरोपी अर्जुन पिता मुन्नालाल सेन उम्र 21 साल निवासी इंदिरा कॉलोनी टीकमगढ़ और सौरभ पिता कन्हैयालाल पटेरिया को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने दो नाबालिग बालिकाओं का ग्राम मांडूमर से अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट News 29 इंडिया। टीकमगढ़ पुलिस के द्वारा निरंतर बच्चियों की नाबालिग बच्चियां जो हैं इनकी सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों में जा रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनको उनकी सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं तथा अगर कभी परेशानी हो तो उसमें हम किस तरीके से पुलिस की मदद ले सकते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। इसी तारतम्य में एक पार्ट आता है कि जो पूर्व में बच्चियां जिनके साथ जिनका अपहरण किया जा चुका है, जिनके साथ गलत काम किया है, इनके आरोपियों की धरपकड़ करना। आज टीकमगढ़ पुलिस को इसी तारतम्य में बड़ी अच्छी सफलता मिली। हमें 3 ऐसे प्रकरणों के आरोपी एक साथ गिरफ्तार करने की सफलता मिली, जिसमें एक बहुत ही सनसनीखेज और जघन्य अपराध था जिसमें कि थाना बलदेवगढ़ का था, जिसमें कि 11 वर्षीय बच्ची को उसी के पिता के द्वारा अपनी बहन के रिश्तेदार से जबरदस्ती शादी करवा दी गई तथा उस बहन के रिश्तेदार जो कि देवी वंशकार है उसके द्वारा उस बच्ची के साथ गलत काम किया गया। वो घटना दिनांक 16 मई से ही फरार चल रहा था। हमें टेक्निकल इनपुट मिला तथा काफ़ी जंगल सर्चिंग करने के बाद ये व्यक्ति हमें रायसेन जिले में एक झोंपड़ी में रहता हुआ पाया गया। इसमें काफ़ी मेहनत लगी और अच्छी सफलता हासिल हुई। साथ ही साथ दूसरा हमारी सफलता है टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस के द्वारा, जिसमें 2 प्रकरण के जो हमारे अपहरण के प्रकरण के जो आरोपी थे वो आज हमने गिरफ्तार किए।
जिसमें एक प्रकरण मार्च के माह में दो लड़कियां गायब हुई थी जिसके आरोपी अर्जुन सेन और सौरभ पंडित, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की का अपहरण किया गया था, उसमें उसका आरोपी दिनेश अहिरवार, जिसको भी दिल्ली पुलिस टीकमगढ़ पुलिस दिल्ली से पकड़ के लाने में सफल हुई है। इसमें सभी टीमों ने अच्छा प्रयास किया है, टेक्निकल इनपुट का भी अच्छा उपयोग किया गया, सभी बधाई के पात्र, सभी को उचित पुरस्कार दिया गया। मध्य प्रदेश की सीमा को राजस्थान व महाराष्ट्र से जोड़ने वाला 203 किलोमीटर लंबा इंदौर इच्छापुर हाईवे बड़े बड़े गड्ढों से खस्ता हाल हो गया है, जिससे कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं घंटों लंबा जाम लगना भी आम हो चुका है। इंदौर इच्छापुर हाईवे प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं से मौत का किलर हाईवे के नाम से जाना जा रहा है। शासन व प्रशासन की लापरवाही के चलते इस मार्ग के रखरखाव की अनदेखी के कारण हो रहे बड़े बड़े गड्ढों से दिन प्रतिदिन छोटे बड़े वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिससे घंटों लंबा जाम लगना आम बात हो चुकी है। हाईवे पर स्थित पंडित ढाबे के संचालक कपिल तिवारी उर्फ गड़बड़ सेठ हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों से हो रही वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खुद ही गड्ढे भरवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इच्छापुर रोड है, रोड का टैक्स भी बंद है, इतने वाहन रोज निकल रहे हैं पर इसका निकाल ही नहीं हो रहा है, ना खड्डे भर रहे हैं, ना रोड चौड़ा कर रहे हैं, ना अतिक्रमण हटा रहे हैं, इसलिए मैं खड्डा भर रहा हूँ कि दुर्घटना ही नहीं हो। और जाम का कारण क्या है? ट्रैफिक रोक देना जाम का थोड़ी कारण है। मानवता की खातिर मैं ये काम कर रहा हूँ, समय पैसा बर्बाद करना और उसके बाद ऐसे उद्योग में मनुष्य मनुष्य के काम में मानवता के शासन और प्रशासन इस मामले में सोया हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा। रोज दुर्घटना हो रही पर अपन मनुष्य मनुष्य के काम में आए, तो इसलिए मैं जितने भी खड्डे में से भराते मैं भरते रहता हूँ इंदौर इच्छापुर हाईवे रोड पर, और जाम का भी यही कारण है मैं खड्डों का। गंभीर डैम लबालब होने के बाद और गेट खुलने पर सांसद अनिल फिरोजिया ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसपी को मौके से फोन कर पुलिस की तैनाती की बात कही। इंदौर में यशवंत सागर बांध के गेट खोलने और लगातार हो रही बारिश से उज्जैन में गंभीर बांध पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के कारण सांसद ने डैम का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लगातार हो रही बारिश के बाद लबालब हुए गंभीर डैम का जायजा लेने सांसद अनिल फिरोजिया डैम पहुंचे। डैम के विहंगम दृश्य को निहारने पहुंचने वालों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए मौके से ही एसपी सचिन अंदुलकर को फोन लगाकर डैम पर जवानों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। सांसद अनिल फिरोजिया करीब 30 मिनट से अधिक समय यहां रुके। इस दौरान सांसद फिरोजिया ने यहां डैम पर मौजूद स्टाफ से बातचीत भी की। उन्होंने डैम के अवलोकन के साथ ही स्थिति का जायजा भी लिया, साथ ही ये भी जाना कि यशवंत सागर के अभी क्या हालत है। डैम पर पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि बीते कुछ सालों में शहर का विकास तेजी से हुआ है और जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ये कारण है कि दशकों पहले बनाए गए इस डैम के बावजूद अब इससे पूरे वर्ष शहर की पेयजल पूर्ति संभव नहीं हो पाती, साल के अंत तक जल संकट दस्तक दे ही देता है, लिहाजा अब समय आ गया है कि जब हमें एक और विकल्प की तलाश कर लेनी चाहिए। उज्जैन से प्रदीप मालवी की रिपोर्ट। कमी है, यह पहली बारिश है जिसमें कि यह डैम हमारे डैम के गेट खुले हैं, लेकिन पूरे गेट आज भी नहीं खुले हैं, तो अभी तो और हमको पानी की ज़रूरत है। उसके बाद देखेंगे स्थिति की जनता को हम पानी पिला पाएँ। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि घर घर पानी पहुंचाना है, और हमारी महापौर ने भी बोला है, तो वो प्रयास में लगे हैं। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।